दोस्तों, कुंभ मेला का आज अंतिम स्नान। हम इस समय प्रयागराज में माँ गंगा के किनारे आज तमाम साधु संत महात्मा और कल्पवासी यहाँ से स्नान करने के उपरांत विदा हो जाएंगे। आज के दिन बताया जाता है कि भगवान विष्णु आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। यह हमारी गंगा है जिसमें तमाम लोग डुबकी लगा रहे हैं। आज मैं भी इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता और देवलोक से तमाम किन्नर देवता और सभी लोग आते हैं आज के दिन यहाँ स्नान करते हैं। आज के स्नान का काफ़ी महत्व है। यद्यपि कुंभ मेला में चौथी बार आने का यह अवसर मिला है, मैंने पहले भी बताया आस्था इतनी भारी है कि गंगा के पानी को लोग नहीं देखते। यद्यपि गंगा का पानी जैसे पहले था कमोबेश वैसे ही है, नाले या तो जैसे गिर रहे थे पहले वैसे ही गिर रहे हैं। बस एक दिखा दिया गया है कि भैया यह ट्रीटमेंट प्लांट यह है, लेकिन मैंने फिर से बताया कि आस्था इतने चरमोत्कर्ष पर है कि गंगा का गंदा पानी गौड़ हो गया और आस्था अपने उच्चतम स्थान पर हो गई। चलिए आज फिर मैं स्नान करूँगा और स्नान करके मैं भी जो भी देश विदेश से जुड़े हुए तमाम हमारे दोस्त हैं उनके लिए कामना करूँगा कि आज तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान का महत्व है माघी पूर्णिमा के दिन, उसका उन लोगों को भी लाभ मिले जो हमें लाभ मिल रहा है। तो आज मैं चल रहा हूँ, इसके पूर्व भी हमने तमाम प्रकार के वीडियो आपको दिखाया है। अमृत की बारिश हो रही है, देवार्षु संग्राम हुआ था, छीना झपटी हुई थी समुद्र मंथन के बाद और अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी। यह तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ फिर हरिद्वार में कुछ नासिक और उज्जैन में गिरी थी। तो यह कुंभ है, अर्ध कुंभ है, लेकिन बढ़िया से इसको बताया गया और लोगों ने बुलाया गया, शासन ने बुलाया चलो कुंभ चलो कुंभ, तो लोग भी आए। यद्यपि अच्छे ढंग से संपन्न हो गया छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ करके। यहाँ आप देख रहे हैं सुबह से ही क्या रात से ही लोगों का तांता लगा हुआ है स्नान करने वालों का। तो आज संगम में नहीं गंगा में ही हम भी डुबकी लगाएंगे। अब कहाँ फूल बेचोगी बताओ? अभी भी फूल बिकेगा ना, कुंभ खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, संगम पर लगाएंगे तो भी कुछ न कुछ लोग आएंगे। अच्छा, तो घर के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं है बताओ? पढ़ते हैं ना, तो यही काम नहीं कराना है, बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, बच्चों को पढ़ाना है तो जाओगे? यह सब है, यद्यपि साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी रही है। यहाँ कपड़े बदलने के स्थान भी बनाए गए हैं, वह भी अच्छा रहा है, काफ़ी अनुकूल रहा है। जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, वह भी अच्छा रहा है। बहुत सी चीज़ें अच्छी रही हैं, लेकिन माँ गंगा तो ऐसे ही रह गई जैसे पहले थी, कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। मैंने दो वीडियो दिखाया था, एक दारागंज का जो ट्रीटमेंट प्लांट है सीधे सीधे गंगा का पानी गिर रहा है, नाले का पानी गिर रहा है गंगा में, उसको दिखाया। एक दिन और भी नाग वासुकी मंदिर के पास का पानी दिखाया था और एक दिन और भी दिखा के जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि सत्य कहने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं, सही बात कहेगा कौन, लेकिन ब्रजभूषण दुबे को रोकेगा कौन? ब्रजभूषण दुबे तो कह के ही जाएंगे, दिखा के ही जाएंगे और आईना दिखाएंगे, क्योंकि यह जो करोड़ों और अरबों रुपए गंगा के नाम पर खर्च किए गए हैं इसे तो बताना पड़ेगा। मैं कई नाले दिखाऊंगा आपको और दिखा करके ही यहाँ से जाऊंगा। दोस्तों, चल रहा हूँ आज पुनः स्नान करने। गंगा मैया की जय, संगम त्रिवेणी की जय, प्रयागराज की जय, काशी विश्वनाथ की जय, और जो भी संत महात्मा है भैया अच्छा भाव लेकर के आए हैं और कई पीढ़ियाँ तर जाती हैं ऐसा कहा गया है, और लोग भाव सागर से पार हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, आप भाव सागर से पार होना चाहते हो? जी जी। अरे, बड़ा मनुष्य का जीवन मिला है, अभी कुछ देखा ही नहीं और भाव सागर से पार होना चाहते हो? नहीं, अभी भाव सागर से पार होने का मतलब अंतिम सांस लेकर के और देवलोक में चले जाए। अभी नहीं, मतलब कोई नहीं चाहता दोस्तों, अंतिम कब्र में पांव है तब भी चाहता है कि हम अपने पोते की शादी देख लें और थोड़ा सा एक हमारा पनाती हो जाए उसको भी देख लें। कोई मरना नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ ढंग से जीना चाहता हूँ और जो यह अमृत लोक है इसका भी भोग करना है। जब तक सांसें चल रही हैं तबीयत से, क्यों मरने की इच्छा नहीं करती है ना, किसी की नहीं करेगी।
भगवान क्यों नहीं जाएंगे, भगवान नहीं आएंगे भैया। एक चीज़ और जान लीजिए, एक रहस्य। हमारे सीबी पांडे साहब जो न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं संघ के, उन्होंने कहा कि मरना नहीं है। हमने कहा ये कौन सा रहस्य है सर? उन्होंने कहा कि हम खाली रहेंगे ही नहीं, कभी कोर्ट में बहस करेंगे, कभी लिखा पढ़ी करते रहेंगे, कभी लोगों के बीच रहेंगे, तो यमदूत आएंगे, देख करके चले जाएंगे और रिपोर्टिंग करेंगे, आमद और रवानगी करते रहेंगे पुलिस विभाग जैसे, और कहेंगे साहब वो तो खाली ही नहीं है, आप खाली रहेंगे तभी डिप्रेशन के शिकार होंगे, एक बड़ा रहस्य है। चलिए अब हम स्नान करते हैं, स्नान करते हुए हम आपको इसलिए नहीं दिखाएंगे कि प्रतिबंधित है वहाँ। कोर्ट ने भी पूछा है कि लोग स्नान कर रहे हैं तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप उनके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं? तो अगर मुझे कोई रोकने आएगा तो मैं कहूँगा कि भैया मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं बना रहा हूँ। और यह है हमारे मित्र स्वेच्छा से, शुभ नाम आपका? देवेश तिवारी। देवेश है, और कैमरामैन हमारे हैं शर्मा जी हैं, मृदुल शर्मा जी हैं। चलिए उनको भी एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो उनको भी लगेगा कि देखिए मृदुल जी हैं, मृदुल शर्मा जी हैं आज के कैमरामैन और मेरे तात्कालिक दोस्त हैं लोग, अभी नई नई दोस्ती हुई है, इससे पहले कभी मुलाकात नहीं थी। तो अच्छा लगा, सभी को विनम्र भाव से नमस्कार। एक बार गंगा मैया और प्रयागराज से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो पुण्य हमें मिल रहा है वो सभी देश विदेश के मित्रों को बांट दें। सभी को विनम्र भाव से यथोचित नमस्कार।